सो नवजोत सिंह सिद्धू जो कि रोड रेज मामले दे विच पटियाला दी केंद्रीय जेल दे विच सीगे, सो एक साल बाद जिहड़ी अपनी सज़ा पूरी करके वापस आ रहे ने, साडे नाल उहनां दे बेटे ने, गलबात करदे आ। सर किस तरह देखदे हो एक साल दी जिहड़ी सज़ा हुई सी उस तों बाद आप बाहर आ रहे ने? सर पहलां वी दो तीन वार न्यूज़ 'च आ गया सी कि बाहर आ रहे हैं, तो मैं तां ताईं मन्नूंगा एक वार बाहर आ जाण। वैसे सानूं कन्फर्म्ड जिहड़ी अथॉरिटीज़ हैं उहनां तों फोन कॉल आ गए ने, तो वकील होने के नाते मैं तो पहला भी ए लगता कि जोड़ा सैक्शन उन्होंने लाया गया है तो उस पेल ही परोल मिलनी चाहिए सी, तो हूँ वैसे एक साल होने वाला है तो देखते हैं बाकी कल 12 बजे की होंगे। सर किस तरह का मतलब कि पहला जिमें टेंट वगैरह लग गए थे, तैयारियां सगिया, समर्थकों बहुत ज़्यादा उत्साह सगा, सो इस बार काफ़ी सैलेंट का माहौल। देखो गल ये होंगी है कि साढ़े वालों तो जोड़े मैसेज जाने होंगे कांग्रेस को इको बार सुनेहा जाता है सारे वर्करस वगैरह नूं, हजे पहला ही घंटा पहला ही हजे सुनेहा गया तो हजे बाकी फोन कॉल्स वगैरह कर रहे हैं, तो 12 बजे देखते हैं कल कितने लोग आते हैं। असी जिहड़ा सुनेहा पहुँचाना सी एक बार तो हुण पहुँचा दिता जी। सर जिहड़ी कि ट्वीट दे राही जरूर जानकारी दित्ती गई है, सो उहदे विच की अपील? नहीं ट्वीट वास्ते तो असी बस यही कहा कि जिहड़े भी वर्करस हैगे उन्हां नूं बस एक बार मैसेज पहुँचाना जरूरी सी कि कल जिहड़ा हैगा 12 बजे तो बाद रिहाई हो सकती है। सो किस तरह तैयारियां ने सर कि 323 दे विच जिहड़ी सज़ा याफ्ता, वैसे कई नहीं देखी अज तक है, फिर भी शेरी भाई अपनी सज़ा याफ्ता कर रहे हैं? बिल्कुल देखो जिहड़ा ये सज़ा है जिहड़ा सैक्शन उन्होंने लग्या गया एज अ वकील, वैसे तो बहुत वड्डे वड्डे वकील बैठे हैं, वो भी थोड़ा एनालिसिस अपना अपना देंगे, मेरे हिसाब नाल इन्ने छोटे सैक्शन से इन्हों परोल मिल सकती सी, तो पहला भी जो जो सेंटेंस होया उस इन्हों मिनिमम सेंटेंस तो एकदम मैक्सीम सेंटेंस करता से रिव्यू, वो भी पहला कदे नहीं होया, पर ठीक है हूँ अपन अगे देखना चाहिए वो हिसाब न देखने वेले, मैं तो बस वेट कर रहा कि पापा एक बार बाहर जी। सो कितना कितना सियासत भी लगती हैगी इस पूरे मामले लेके, बहुत सारी चीज़ा हो सकती हूँ अपन अंदर की चीज़ा पता नहीं होंगे, मैं एवं कॉमेंट नहीं करना चाहता, बाकी थोड़ा पापा मिल के आए थे तो सेहत वगैरह किस तरह बहुत वधिया, उन्होंने कई बार ऐ हुंदा कि भी प्रोफेशन के तौर पर बंदा अपनी हेल्थ नूं निगलैक्ट करता है, पर उत्थे काफ़ी समय मैं उन्होंने देखा कि भी उन्हें एक्सरसाइज करके वधिया डाइट लैके भी वो काफ़ी पतले पुतले हो गए हैं, तो कॉन्सनट्रेट बंदा अपनी हेल्थ वास्ते भी कर पाया, इस मामले मैं खुश हूँ। मैम ठीक ने क्योंकि उन्होंने भी रिसेंटली एक ट्वीट आया सी, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा ट्वीट के लिखा सी एकदम कैंसर की जी। देखो उन्होंने पहला ही थोड़ा बहुत तो पता सी कि लंप वगैरह है, तो मेडिकल चैकअप उन्होंने पहला ही करा लेना चाहिए सी, पर कितना कितने वो भी न्यूज़ वगैरह सुन रहे थे कि बाहर पहला आ सकते हैं, उस हिसाब नाल मेरे ख्याल उन्होंने थोड़ा डिले किया कि एक बार पापा बाहर आ जाए तो हौसला ज़्यादा होंगे सर्जरी का, पर फिर फैमिली प्रेशर असी पा के कहा कि देखो कि भाई हेल्थ तो उत्ते होर कुछ नहीं है, तो पहला ही सर्जरी होगी, सर्जरी जी सी सक्सैसफुल है तो वह रिजल्ट दस देना चाहेगा। ठीक ने जी हूँ ठीक है रिकवरी जी। सो हूँ मतलब कि किस तरह दिया तैयारियां थोड़े वालों ने किस तरह वेलकम किया जाऊगा, क्योंकि काफ़ी पंजाब का फेस पंजाब के लोग जोड़े हैं क्योंकि उन्होंने पंजाब मॉडल भी एक तैयार करा, भी बड़े गंभीरता दिख रहे थे किस तरह दिख? देखो जो परसनल फैमिली का मैटर आता है ना, तो मेरे हिसाब न मम्मा मैं तो राबिया मेरी सिस्टर असी तो बस उन्होंने बह के खाना खाना चाहते हैं गल्ला मारना चाहते हैं, बाकी जी तैयारियां वगैरह वो तो कांग्रेस वर्कर करेंगे, उन्होंने स्नेहा पहुँच गया, मेरे ख्याल फैमिली मैंबरस में तो यही है कि बस उन्होंने गल्ला कर लिए खा पी लिए एक बार गुरुद्वारे हो लिए बस जी। सो जिहड़ा हैगा कल दा जिवें रिहाई हुंदी है, सो की प्लान रहेगा गुरुद्वारा साहब मंदिर क्योंकि काफ़ी श्रद्धा रखते हैं? मेरे हिसाब नाल तां जिवें भी उत्थे रश दे हिसाब नाल देखणगे गुरुद्वारे तो पक्का जाणगे, पर 90% तो ऐं होएगा कि उरे आके मेरे ख्याल अमृतसर जाण दी तैयारियां करनगे, उत्थे उन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उत्थे ही गुरुद्वारा है जिहड़ा सब तो वड्डा, ता करके मेरे हिसाब नाल तां निकलन तो बाहर गुरुद्वारे मंदिर होके जिहड़ा भी रस्ते च आया घरे आ जाणगे तो फिर अमृतसर जाण दी तैयारियां करनगे जरूर। सो किस तरह के नाल तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ा हैगा परिवार दे विच एक खुशी का माहौल तो जरूर हैगा, कहिंदे अपनी सज़ा याफ्ता पूरी करके जरूर आ रहे हैं, परिवार को पूरी जिहड़ी हैगी बेसब्री नाल इंतजार जरूर हैगा, गुरुद्वारा साहब नमस्तक होणगे उस तो बाद अपने परिवार च मिलते हैं, कहिंदे अमृतसर भी जा सकते हैं क्योंकि उन्हां दा अपना हलका हैगा, उत्थे दे लोक ने उत्थे दे वर्कर ने उन्हां दे विच भी बहुत उत्साह देखण नूं मिल रहा है। होर भी अपडेट दे लई देख रहे हो ABP न्यूज़, मैनूं दिओ इजाजत, धन्यवाद। ABP सांझा जोश जज्बा जुनून।